तुमने देखा रति चाची और अपनी व्योम से कितना डरे हुए हो ना हो व्योम ही अपनी को वहां किडनैप करके लेके गया था शिव मुझे कोई भी क्लू मिलता है वो एक डेड एंड पे पहुंच जाता है और मैंने कितने बार रति चाची से पूछने की कोशिश की लेकिन वो व्योम के अगेंस्ट कोई जवाब ही नहीं देती कुछ बोल ही नहीं रही है उसके अगेंस्ट और तुम तो अपनी से बात कर सकते हो ना लेकिन वो तुम्हें भी कोई जवाब नहीं दे रही है जो रति ने कहा वो कम था क्या कि तुम्हें मार डालेंगे शरण्या अब तो समझ जाओ चली जाओ उस घर से दूर इन लोगों से दूर शिव कितने बार तुम एक ही बात बोलोगे मैंने कहा ना मैं ही घर छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी तुम्हें समझ नहीं आता है क्या क्या हो गया शरण समझ में नहीं आ रहा है अब समझना नहीं चाहती इस आदमी ने मुझे मारा शायद तुम्हारे पापा को मारा अपने खुद के चाचा को मार दिया तुम कह रही हो एक छोटी बच्ची को किडनैप किया शायद उसे भी मार देता पता नहीं कितनों को मार दिया होगा कितनों को मार देगा अब क्या देखना बाकी रह गया शरण्या चलो दूसरे की छोड़ो उसे तो तुम पे भी शक है और अगर उसका शक यकीन में बदल गया तो पता नहीं वो क्या कर देगा वैसे भी हर वक्त उसकी नजर में हो हर वक्त उसकी पहुंच में हो शरण्या प्लीज मेरे लिए छोड़ दो ये घर आर यू सीरियस शिव जिस इंसान ने मेरे पापा को मार डाला जिसने मेरे प्यार को मुझसे छीन लिया मैं उसे छोड़ दूं जिसने उस छोटी बच्ची को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की मैं उसे छोड़ दूं नहीं जब तक मैं उसे सजा नहीं दिलवा देती मैं ये घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी शरण्या हम कौन है पुलिस है डिटेक्टिव्स है इतने हफ्ते से इसके खिलाफ सबूत ढूंढ रहे हैं कुछ मिला हमें कुछ भी मिला मिला है मुझे क्लूज मिल रहे हैं जिन क्लूज के थ्रू हम व्योम की असलियत सामने ला सकते हैं और उसे सजा दिलवा सकते हैं शिव मुझे ब्रेसलेट मिला है वहां से जहां व्योम अपनी को लेके गया था वो स्टॉप इट शरण्या स्टॉप इट कुछ नहीं देखना मुझे कुछ नहीं सुनना किसी को सजा नहीं दिलवानी क्या हो जाएगा सजा दिलवा के क्या मैं वापस आ जाऊंगा क्या तुम्हारे पापा वापस आ जाएंगे क्या तुम अभी नहीं समझ पाए कि मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता मुझे किसने मारा है शरण्या इतने वक्त मैं तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाता रहा क्योंकि मैं तुम्हारे साथ थोड़ा और वक्त बिताना चाहता था तुम्हें देखना चाहता था तुमसे बात करना चाहता था लेकिन ये मेरी खुद गर्जी थी मैं अपनी खुद गर्जी में तुम्हें और खतरे में नहीं डाल सकता शरण्या तुम्हें व्योम से दूर जाना होगा इतनी दूर कि वो तुम्हें कभी ना ढूंढ पाए ऐसा कभी नहीं हो सकता शिव मैं कहीं पे भी चली जाऊं क्यों मुझे कहीं ना कहीं से ढूंढ के निकाल ही लेगा उससे भागने से बेहतर है कि हम उसका सामना करें उससे लड़े शरण्या दो दिन में अमावस की रात है बताया था ना व्योम ने कुछ कर दिया तो तुम ही ने कहा ना कि खतरा सिर्फ तुम पे नहीं सब पर है तभी तो कह रही हूं मैं शिव मैं इस घर को छोड़ के कहीं नहीं जा सकती क्योंकि व्योम यही है लेकिन शरण्या तुम सबकी प्रॉब्लम्स अपने पे नहीं ले सकती ना पहले भी तुमने एक बार यही कहा था याद है क्या जर्फ होता है नाजुक अब यार ये जर्फ क्या होता है यार सिर्फ इश्क में सर्फ होता है बहुत ही भारी हर्फ होता है कभी देखे तो उड़ जाए क्या था यार उनको देखे तो कभी शरण्या उसे सब नहीं होगा मुझे एक्टिंग वैक्टिंग कुछ नहीं आती अरे जब तक लड़की को डेट पे नहीं ले जाओगे तब तक पता कैसे चलेगा लड़की तुम्हारे टाइप की है या नहीं एक बार ट्राई तो करके देखो व्हाट आई मीन एक्टिंग
मैडम मैंने कई इलेक्ट्रिशियन से बात की, इस वक्त कोई मिल नहीं रहा। कल संडे है, अब मंडे को ही लाइट वापस आएगी। अरे दो दिन बाद प्ले है, हम लोग रिहर्सल कैसे करेंगे? सॉरी मैडम, नहीं हो पाएगा। देखा, इसे कहते हैं भगवान का इशारा। अरे जब कायनात ही नहीं चाहती कि मैं ये प्ले करूं, तो तुम क्या कर लोगी शरण्या? बेस्ट एक्चुअली तुम एक काम करो, तुम अपना ये प्ले अपने बॉयफ्रेंड व्योम से करवा लो। ओके कभी हार मानना तो सीखा ही नहीं है ना मैंने। अब ये क्या कर रही हैं आप? जो कोई नहीं करना चाहता वो। तुम नए एडवेंचर्स में अपने हाथ पैर तोड़वाओगे। चलो नीचे आ जाओ, गिर जाओगी। शरण्या टेप दो। भगवान ये लड़की। अच्छा चलो नीचे आओ, मैं करता हूँ। कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद कर लूंगी, तुम बस टेप दो। शरण्या इस पे कोई जिद करने वाली बात नहीं है, नीचे आ जाओ प्लीज। जब बिजली का झटका लगेगा ना तब पता चलेगा। देखा, ये कायनात वायनात पे डिपेंडेंट रहने की कोई जरूरत नहीं है। दुनिया में कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है, बस एक बार ट्राई तो करके देखा। बिजली का झटका इतनी जोर का नहीं लगा जितनी जोर का झटका तुम्हारी गोद में आके लगा। किसी ने तुम्हें बताया नहीं है कि तुम कितनी बड़ी पागल हो गुंडी। सिर्फ लम्हों में सर्फ होता है, इश्क बड़ा भारी हर्फ होता है। उनको देखे तो कभी धड़के कभी बैठ जाए। दिल मोहब्बत में बड़ा कम सर्फ होता है। दुआ या बद्दुआ सा मिले नमाजी से, लबों पे उनके नाजूमी सा सर्फ होता है। तुमको नसीरे मोहब्बत क्या बतलाऊं, कभी धुआं कभी आग तो कभी बर्फ होता है, और सबसे आखिर में दरमियां तेरे और मेरे सिवा तू और मैं की लड़ाई से हटकर सुबह और सांझ के हर किस्से के अलावा अच्छी यादें और ठंडी आहों से लड़कर जो बच जाएगा ना वो इश्क होगा। You know, you're right. मैं ये कायनात वायनात के बारे में सोच के फालतू में साइकआउट हो रहा था। Nothing's impossible. I guess मैं थोड़ी बहुत एक्टिंग कर सकता हूँ, बस तुम्हारे साथ नहीं करना चाहता। क्यों? मेरे साथ क्यों नहीं? ये तो बताते जाओ। बस नहीं करना चाहता। वो बचपना था, मजाक था। अगर मैं बचपना नहीं करती तो तुम वो रोल व्योम को दे देते ना, वो प्ले था। मैं जानती हूँ शिव, और ये हकीकत है।
मैं ये भी जानती हूँ कि हम सब पे खतरा है, मुझ पे खतरा है। व्योम इस घर में है और सब उसकी हरकतों से अनजान है, इसीलिए शिव मैं ये घर छोड़ के कहीं नहीं जा सकती। मत मारो हार, ढूंढो सबूत, दिलवा दो व्योम को सजा। लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं कर पाई तो तुम्हें ये घर छोड़ के जाना होगा, क्योंकि शरण्या, अगर मेरी गैर मौजूदगी में व्योम ने तुम्हें एक खरोच भी पहुंचा दी तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। शिव, शिव ब्रेसलेट, ये मुझे वही मिला जहाँ पे अवनी थी। शरण, ये ब्रेसलेट तो उस इंसान ने पहना था जिसने मेरा खून होते हुए देखा था। हौसलों का साथ तो भगवान भी देता है। देख, हमें एक और क्लू मिल गया। एक बात तो क्लियर है, जिस इंसान ने तुम्हारा खून किया और जो अपनी को वहां उठा के ले गया वो इंसान एक ही। और अगर हम ये पता लगा ले कि वो व्योम है तो हम उसे डायरेक्टली कन्फ्रंट कर पाएंगे। शान्य, जो करना है जल्दी करो, सिर्फ 2 दिन है मेरे पास और तुम्हारे पास भी। तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट, तुम्हारी आंखों की शरारतें, मरने के बाद भी मेरे दिल का सुकून है, मेरे होने की वजूद है। पर तुम क्यों नहीं समझती कि हर बार जब व्योम तुम्हारे आसपास होता है तो मेरी रूह कांप जाती है, ये सोचकर कि अगर वही मेरा कातिल है तो वो तुम्हारा क्या हश्र करेगा। क्यों क्यों शरण्या नहीं चली जाती तुम यहां से दूर, ऐसी जगह जहां व्योम क्या उसकी परछाई भी तुम तक ना पहुंच सके, और फिर मैं सुकून से यहां से चला जाऊं। मैं इतनी स्वार्थी नहीं हो सकती कि मैं सिर्फ अपने ही बारे में सोचूं। मुझे उसे मुक्ति दिलानी ही होगी, उसे तकलीफों से निकालना ही होगा। शिव की मां है ना, इसीलिए आपने शिव को इस दुनिया में वापस आने दिया ताकि वो मेरी रक्षा कर सके। अब मैं आपसे शक्ति मांगती हूँ माता रानी, मुझे शक्ति दीजिए ताकि मैं शिव के कातिल को सजा दिलवा सकूं।
मुझे पूरा यकीन है माँ कि व्योम ही शिव का कातिल, क्योंकि क्योंकि सारे सबूत उसके खिलाफ जाते। प्लीज माँ कुछ कीजिए, कोई एक आखिरी संकेत मुझे दीजिए ताकि मैं उसके कातिल को सजा दिलवा सकूं। माँ दो दिन बाद वैलेंटाइन डे, प्यार का था उस जिस प्यार के लिए शिव इस दुनिया में वापस आए, मैं उसी प्यार के खातिर मैं भी अपना फर्ज निभाना चाहती हूँ, सजा दिलवाना चाहती हूँ शिव के कातिलों को। प्लीज माँ मुझे शक्ति दीजिए, बस आखिरी बार एक इशारा दे दीजिए माँ, सिर्फ एक इशारा, कोई एक सबूत दे दीजिए माँ, प्लीज प्लीज। हेलो, थैंक यू सो मच मां मुझे ये रास्ता दिखाने के। ओ हेलो लिसन, मैं भी हूँ तुम्हारे साथ, कहाँ जा रही हो अकेले? आदत डाल रहे हैं क्योंकि तुम मुझे छोड़ के जाने वाले हो ना कुछ दिन में। करेक्शन, छोड़ के जा नहीं रहा, मैंने कहा था छोड़ के जाना पड़ेगा, फर्क है ना? कोई फर्क नहीं होता, जा तो तुम रहे ही हो ना, यू जस्ट लीविंग, बस मुझे यही समझ आता है। अच्छा तुम कहाँ जा रही हो? किसी ने ना मुझे डेडलाइन दी थी 2 दिन की, कि 2 दिन में व्योम का पर्दाफाश करना है, बस वही करने की कोशिश कर रही हूँ। शरण्या, शरण्या, फिर चली गई क्या जासूसी करने? शरण्या, आ गए ये बड़े भैया भूत जी उसको बचाने के लिए। शिव का भूत है ये? मॉम, थैंक्स आज डैड को सच ना बताने के लिए। आप गाड़ी से चली क्यों गई थी? आपको पता है शरण्या कहाँ है? नहीं। आपको तो पता होना चाहिए मॉम। जब अवनी ब्रिज पे थी तब आप भी वहां थी, और रति चाची और शरण्या अवनी को घर लेके आए, उनको कैसे पता कि? तो मैंने उसे कुछ नहीं बताया है, मैंने खुद दोनों को अवनी को घर ले जाते हुए देखा है, मुझे नहीं पता उसे कैसे पता चला, बट एनीवेज उन्होंने मुझे नहीं देखा।
रिलैक्स मॉम, आप इतना इतना हाइपर क्यों हो रही है? मैं तो आपसे इतनी नॉर्मली पूछ रहा हूँ, क्या हुआ? आपको डर लग रहा है मुझसे? आपको अपने बेटे से डर लग रहा है? बताओ ना मॉम, शरण्या कहाँ है? वरना For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.